हम तो हम चल रहे हैं खाटू श्याम और गाड़ी अपनी तैयार है एकदम से। देखो बैग वैग लगा दिया है, ये भी लगा दिया है और हेलमेट पहन के ग्लव्स पहन के पानी भी ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से निकलते हैं आपको मिलते हैं गोप्रो मोड़ पर। बस यही बताने के लिए मैंने स्टार्ट किया वीडियो और बोलो खाटू श्याम महाराज जी जय, करते हैं शुरू वीडियो। तो यहाँ से ट्रिप करते हैं जीरो सेट कर देते हैं भाई जीरो और ट्रिप टू को भी हम करते हैं जीरो। ठीक है और अभी चला लेते हैं, देखो ओडोमीटर अपना हो गया है 52,369 हो गया है और तेल अपना फुल है। यहीं से करते हैं शुरुआत और ट्रिप वन पर देखते हैं कितना चलती है फुल टैंक में। तो मित्र ये रेवाड़ी से निकले हैं और गोल चक्कर सा आ गया, उसने घुमा दिया तो वो भी एक बार देख लेते हैं कहाँ कैसे जाना है क्योंकि पता नहीं है ना, तो फ्लाईओवर के ऊपर से जाना या नहीं जाना। और गोप को मैंने इसलिए नहीं लगाया भाई ऐसा कुछ खास था नहीं दिखाने को, तो रुकेंगे अभी 100 किलोमीटर पर। अभी तो क्या है 89 किलोमीटर हुआ है ना, 10-11 किलोमीटर के बाद रुकेंगे और फिर देखेंगे कुछ खाएँगे पियेंगे क्योंकि सुबह ही नाश्ता करके आए थे। एक बार देख लेता हूँ मैं और आगे चलते हैं फिर बताते आपको। ऑलमोस्ट 112 किलोमीटर चला के भाई अभी स्टॉप लिया है, थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर निकलेंगे भाई। रेवाड़ी से लगड़ते ना इतना बूंदा दाम था, बहुत खतरनाक बड़ा हमारा तो भाई साइडों से निकल उकल के आए हैं और बहुत बुरा। अभी एक जगह रुके हैं तो ऐसा कुछ है यहाँ लेंगे और कुछ खा पी के यहाँ से। टाइम हो गया भाई 5:15 और ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं, थोड़ा सा और रह गया है। यहाँ देखो भाई कितने बंदर हैं और ये रेहड़ी वाले हैं ना बहुत सारे खड़े हैं, ये मेरे ख्याल से इसीलिए खड़े होंगे कि भाई इन बंदरों को खाना खिलाओ अपने हिसाब से, जो भी आपकी इच्छा हो वो खिला दो। कितने सारे बंदर हैं यार और रेहड़ी वाले स्पेशली इनके, ओ भाई बंदर ही मार दिया, परमात्मा इसकी आत्मा को शांति देवे। ये देखो कितने सारे खड़े हैं भाई, अभी हमको यहाँ से शायद अंडरपास लेना है या नहीं लेना भी पता नहीं है। अब यहाँ एक बार रुक जाते हैं भाई, पहले तो सुस्ता लेते हैं यहाँ रुक के, थोड़ा सुस्ताना ज़रूरी है। ये देखिए हालत जूतों की, चाय बन के लिए बोला चाय पी के निकलेंगे और ये हालात हो गई रहे थे दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। खाटू श्याम जी का दर्शन या तो मैं इसी वीडियो में डालूंगा, अगर वीडियो लंबी होगी तो फिर कल की वीडियो आएगी श्याम जी की, अभी ये अपने जर्नी की वीडियो रहेगी। तो भाई यहाँ रुकी देख जगह तो चाय पी लेते, और ये रूपा जनरल स्टोर है आप देख लो, ठीक है ना। और अच्छी चाय थी भाई, बिल्कुल कड़क चाय हो गई थी। वो भाई कह रहा था एक बार हमें भी दिखा दो कैमरे में, तुम अगर चलो तो एक बार आना भाई, एक बार देखो आओ भैया भाई है बैठो, इन भाई की भी सुन लो थोड़ी सी और हेल्प करना बताओ भाई साहब। ये गुजरात वाला जो तेल है गारंटेड तेल है बड़ों का, ये जितना भी आपको दिख रहा ना इन सब की बात कर रहे हैं, ये आलोर मोड़ सापरा रूपा जनरल स्टोर दुकान पे। एक बार फिर से भाई का नाम और एड्रेस एक बार देख लो सुन लो। मेरा नाम है महेश कुमार, दुकान अपनी अलवर मोड़ पे रूपा जनरल स्टोर, इसमें गुजरात वाला तेल प्रोडक्ट बेचते हैं हम और हर चीज़ अच्छे रेट पे मिलेगा, ऐसी बात नहीं है भाई। मैंने तो थोड़ी सी बात करी है उसी में समझ में आ गया कि भाई हाँ बंदे जेन्युइन है और आपको मतलब कि फ्रॉड वाली तो वो बात ही नहीं, ओरिजिनल गारंटी होगी बस, ठीक है। तो भाई कभी भाई को भी सेवा का मौका दो और हम निकलते हैं अभी, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा है ना। और देखो ऐसी हालत हो गई, ये जनरल स्टोर है भाई देख लो, इसका ये नंबर होगा इधर, नंबर नहीं है आपका, नंबर बताओ बता दो नंबर और बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है 9660 फिर दोबारा 9670 75 रूपा जनरल स्टोर, और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भाई इसका इनका नंबर, आप मंगवा भी सकते हो ठीक है, बात कर सकते हो। चलो ये फोर्थ लोकेशन है भाई जहाँ पर NH 48 पर काम चल रहा है,
तो आप समझ सकते हो क्या ही हालात होते होंगे भाई इनके आने वालों के, जो गाड़ी से आते हैं उनके हालात देख लो। लेकिन ये पैच छोटा सा है जितना मैंने समझा है, पैच छोटा सा ही है। देखो वापस से फिर चढ़ रहे हैं, वो दिखाया था और थोड़ी सी देर में वापस चढ़ गए। ये स्टॉपेज नंबर 5 भाई, यहाँ पर भी बहुत पूरा बड़ा जाम भाई, टी टी करके सब निकल रहे हैं। रिस्क नहीं लेने का, हम नहीं आएंगे भाई यहाँ से। डाइवर्जन कह लो, हर्डल कह लो, हसल कह लो, नंबर 6 आ गई है। ऐसे कैसे पहुँचेंगे भाई, कैसे पहुँच पाएंगे? मुझे नहीं लगता पहुँच पाएंगे। आते टाइम निमराना वाला देखें, वो फिर बिल्कुल लोकल है, ऐसा है पता चले वो शाम तक भी ना पहुँचे वहाँ से। रुकावट के लिए खेद है, नंबर 7। ये लो भाई, और भाई अपनी बाइक 200 भी चल चुकी है देखो, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से उतरने का समय आ गया है, खाटू श्याम वाले रास्ते पे जाने का समय आ गया। ये NH 48 को हम छोड़ देंगे और इससे अंडरपास लेंगे। आज की जाते जाते सूर्यदेव की आखिरी झलक देख लो कितनी प्यारी लग रही है, और पहाड़ियों के ऊपर तो और अच्छी लग रही है। और अब यहाँ से हमको एग्जिट लेना भाई NH 48 से, ये शाहपुर आ गया शायद, शाहपुर शाहपुर क्या है शायद यहीं से आपसे पूछना पड़ेगा हिसाब किताब। अच्छा बता ही दिया, ये इधर लिखा हुआ खाटू श्याम, तेरा ध्यान किधर, खाटू श्याम का रास्ता इधर है और इधर से किधर है, इधर से इधर है भाई, ठीक है पढ़ लिया आप लोगों ने, शायद यही खाटू श्याम का रास्ता है। एक बार किसी भाई से कंफर्म भी कर लेंगे, वो आगे से ही पता लगेगा इससे निकल के। और जिस हिसाब से जाम दिखा रहा तो मतलब वही है ये। अच्छा जाम इसलिए है ना कि भाई रियास है, तो जो घरों के अंदर भी मोबाइल टावर उनको भी पकड़ रही है, और गूगल दिखाता कैसे है कि यहाँ जाम है या नहीं है, यहाँ कंजस्टेड है या फ्री है, जहाँ पर नेटवर्क एरिया, जिस नेटवर्क एरिया में मोबाइल के टावर्स या फिर मोबाइल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वही दिखाता है। मगर एक तरह से कह सकते हो भाई जहाँ मोबाइलों की संख्या ज़्यादा हाँ जाम ज़्यादा दिखाएगा। ये एक आदमी ने प्रूव भी किया था, पता नहीं अमेरिका का था कहाँ का था, वो एक ट्रोले में भरकर मतलब छोटे से ट्रोले में कम से कम होंगे 1000 मोबाइल। ये शाहपुरा की मार्केट देख लो भाई, एक्सप्लोर कर लो, मंडी लगी हुई है। और भाई NH 48 से उतरते ही आपको जगह जगह दिख जाएगा, आपको ऐसे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं कि यार खाटू श्याम जी का रास्ता कौन सा है, जगह जगह लगा हुआ अब तक जो मैंने देखा है। जहाँ भी आपको लगेगा कि हाँ भाई ये रोतराया बन गया, टी पॉइंट बन गया, चौक बन गया, वहीं बता देंगे कि खाटू श्याम का रास्ता इधर है। बड़े बड़े अक्षरों में सबसे अलग ही लिखा दिखेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और 6 बज गए हैं, हमारी बाइक पेट्रोल भी मांग रही है, ओहो 210, तो मतलब और 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, 7 बजे तक पहुँच ही जाना है मेरे हिसाब से। अच्छा बता रही है यार शाहपुरा का, देख रहे एकदम से नज़ारे नहीं बदल गए, और सूर्यदेव ने अभी तक हमारा पीछा छोड़ा नहीं है, मतलब कि शाम हुई नहीं अभी तक अच्छे से। छोटी छोटी पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है यार नज़ारे, आए हाय लग रहा, अच्छा बहुत अच्छा, एकदम से नज़ारे चेंज हो गए, मगर क्यों ना दिखाया जाए, यही देखने तो हम आए हैं। खाटू श्याम 54 किलोमीटर भाई, ठीक है 85 किलोमीटर और रह गया, हंसते खेलते ऐसे चले जाएंगे। एक जगह स्टॉप लगाएंगे रिंगस में, और वहाँ श्याम जी की पावन धरा को नमस्कार करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। अब फिर से नज़ारे देखो, ओहो ओहो, ये हमें कुछ श्याम भक्त दिखे हैं भाई जाते हुए,
और अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, अच्छा नीचे जाने का ये है, एक जाने का एक आने का, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ देखा लिख रखा है, साइन भी बना रखा है। भाई साहब यहाँ आके ना मतलब सकारात्मक ऊर्जा इतनी आ रही ना, कुछ भय या ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं। ये देखो और भी हमारे कावड़िए, ओहो क्या नज़ारा भाई, सबने दिखाया होगा दूर दूर का, हम दिखाएंगे आपको ये रास्ता। अच्छा शराब, ये गलत हो गया, हो सकता है ये श्याम जी का वो एरिया एक्चुअल वाला ना हो जहाँ शराब प्रतिबंधित हो। लेकिन यहाँ भी इतने सारे शक्तिपीठ देखे, मैं पीछे देख के आया हूँ, एक दो मैंने आप लोगों को भी दिखाए हैं, तो वो होना नहीं चाहिए। ओ भाई यहीं लौट गया, और देखो सामने श्याम भगत है। देखो भाई क्या बात है, तो मैं इसकी बात कर रहा था भाई। देखो ये दीवार है ना, उधर छोटी छोटी थी और इस साइड में भी होगी, ये देखो ये भी दिख रही ना, तो कोई होगा ये तो कोर अलग चीज़ है, अलग क्या उसी में है भाई, तो इसी की बात कर रहा था। ओ भाई श्याम भगतों की टोली चली, हमारे लिए तो सीधा ही बता रहा है। भाई आ जाता तो रुक जाते, नहीं आ रहा था हम आ जाएंगे यहाँ से एल जी कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ यार, मैंने नोट किया यहाँ के ऐसा लग रहा है थकावट भी कम होती जा रही मेरी, जो पेन वेन था कंधे में वो भी गायब होता जा रहा है यार सच में। जय बाबा श्याम जी। और देखिए फिर से पत्थर वाला पहाड़ आ गया, पीछे वो टीले थे रेत के, अब ये ऐसा ही भाई भगवान की माया वही जाने। मेरे ख्याल से श्याम जी के दर्शन वाली कले डालेंगे, और कितने थकते कितना मज़ा आता है वो उसी वीडियो में पता लगेगा आप लोगों को। इसके लिए अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है, पता है किसका, जो कलकत्ता में डॉक्टर का काम वो बलात्कार करके उसके मर्डर जो किया है उसी का ये प्रोटेस्ट चल रहा है भाई। और ऐसे प्रोटेस्ट होने चाहिए, और सरकार पर इतना दबाव डालना चाहिए कि ऐसे रेपिस्टों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए या सीधा गोली मारी जाए, जैसे योगी राज में होता ना, योगी मॉडल सबसे बढ़िया भाई एनकाउंटर। बस हमें जाना यहाँ से यहाँ, और ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं। अब रात में तो क्या ही मैं एक्सप्लोर करूँगा भाई, खटपू श्याम जी नगरी सिद्धि। ये देखो बोर्ड पे लिखा है, थोड़ा जूम करके भी दिखा दूँगा आपको। भाई गर्म हो गई भाई, और इन लाइटों ने भाई बढ़िया साथ दिया। ये जो नीचे दिख रहा है आपको पीला वाला प्रकाश, लाइट ने अच्छा साथ दिया। रिकमेंड करता हूँ भाई, मंगवा सकते हो आप भी, और थोड़ा रेस्ट देते कैमरे को। ये लो जी रिंगस के द्वार पहुंच गए हैं, बहुत लेट पहुंचे भाई, थोड़ा रास्ता गलत ले लिया था, बट जो भी अच्छा है, और कल जब आते टाइम दिखाएंगे आपको। जय बाबा जी, आते टाइम दिखाएंगे ये रास्ता, ठीक है। अभी तो निकल रहे हैं भाई सीधा बाबा श्याम जी के द्वार, वैसे कुछ चहल पहले। अब ये मान लो ये हम रिंगस में ही हैं अभी, ठीक है, यहाँ से मुश्किल से हार्डली 18-19 किलोमीटर पर रहता है, और आगे से लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही तो मैं बंद ही कर देता हूँ। बस ये कि यही अपडेट देनी थी कि रास्ता गलत लेने की वजह से थोड़ा लेट हो गया, फिर एक जगह रुक भी गए भाई, इतना चलाना भी ठीक नहीं ना, वो फिर मैंने बनाया नहीं कि मगर जल्दी पहुँच जाए। और बाकी चीज़ें तो हम बाद में ही बता देंगे आप लोगों को। रात में भी भाई श्याम बाबा के भगत बहुत जा रहे हैं, ध्वजा ले गए, ये मैंने दिखाया ना आपको रिंगस, रिंगस से ही
शुरू कर देते हैं। और कई सारे देखे मैंने, मगर सोचा बता भी दो और दिखा भी दो आपको। वो पीछे देखा, अगर कोई आगे मिलता है तो वो भी दिखाता हूँ आपको, ताकि आप भी आ सके। और टाइम अभी है तो भाई इसमें तो नहीं दिखेगा, 8 बज गए हैं, रात के 8 बजे ऑलमोस्ट पहुँच ही गया मित्रों। और जो मेरा आज का रेजिडेंस है वहाँ भी पहुँच ही गया, जो मेरी लोकेशन है ना आज की ठहरने की। और मेरे लेफ्ट में देखोगे तो ये पैदल पथ है भाई, यहाँ से पैदल यात्री जो आते हैं ना रिंग से, उनके लिए है। और गाने वाने बजा के आओ भाई, भजन बजा के आओ, ऐसा है। और भाई यहाँ तो पूरा भक्ति तो है ही है, इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट का पूरा साधन है। वाटर पार्क है यार पीछे, बताओ, गेस्ट हाउस 500 रुपये में गेस्ट हाउस। अभी मैं पहुँच ही नहीं वाला हूँ, देखो होटल राजकमल 500-600 में आराम से मिल जाएंगे भाई यहाँ पर। अब वो अलग बात है, एसी है नॉन एसी है, बेड है या तख्त पे है ना, सोफ़ा है, गद्दा है, क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर रेट है। अब कई जगह देखा मैंने, देखो ये पैदल जा रहे हैं यात्री, या यात्री तो गलत कह रहा हूँ मैं, भगत जन, पैदल भक्त जा रहे हैं भाई। और हमारा भी ऑलमोस्ट आने को ही है, तो ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको। और अभी क्या करता हूँ ना, पहुँच के बात करता हूँ, कुछ खाने पीने का देखता हूँ, मिलेगा नहीं मिलेगा, वैसे तो मिल जाना चाहिए क्योंकि 24 घंटे खुलने वाली नगरी है श्याम जी की, खाटू श्याम, खाटू नगर। और एक बार चलो चलता हूँ, पहले आराम सा करता हूँ फिर देखता हूँ। चलो पहले चलता हूँ, जहाँ रुकना वहाँ रुकते हैं, आराम करता हूँ, फिर मिलते हैं।